वेलकम जी, शुएब आरिफ के साथ एक छोटा सा व्लॉग। छोटा सा तो नहीं, काफ़ी लंबा होगा, पूरा व्लॉग देखिएगा। ओरिजिनल स्टार टेबल में क्या क्वालिटीज़ हैं और ओरिजिनल रेसन टेबल में क्या क्वालिटीज़ हैं, दोनों ओरिजिनल टेबल यहाँ पे लगे हैं वर्ल्ड होम स्नूकर कराची में। तो आज के व्लॉग में ये सारा मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, ज़रूर देखिएगा एंड तक जी। अब ये आप लोगों को दिखाया था फ़िश, आज हम लोग खा रहे हैं, लेकिन ये आज फ़िश का इन्होंने कुछ डिफरेंट बताया है। वकार भाई, ये जो फ़िश है, ज़रा इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएं। फ़िश जो है ये समझ लें, इसको फ़िश का नाम है लेडी फ़िश, और इसको हम फिले करते हैं बिल्कुल, और बहुत बारीकी से ये काम होता है। कारीगर कोई अच्छा हो तो फिर वो उसके फिले करता है, खाल भी उतरती है, क्योंकि ऑलरेडी मच्छी छोटी होती है, ये उसका फिले करना एक कमाल है। तो फिले करके फिर उसमें मसाले लगाए जाते हैं, मसाले लगाने के बाद कांटे छांटे निकलते हैं सारे, खाल उतरती है और बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है। हाँ, फिर वो उसके मसाले लगने के बाद फिर इसको फ्राई करा जाता है बेसन के साथ, या इसमें कुछ और मसाले वसाले डाले हुए होते हैं जो भी घर वालों के होते हैं। और ये यहाँ की ये रबड़ी आपने मंगवाई हुई है, रबड़ी का बताएं, ये कहाँ की? दरअसल है हैदराबाद की, जहाँ से आप लोग आए। ठीक है, तो मैं लेता हुआ आया हूँ। ठीक है, एक दो दिन पहले आया था। तो और बाकी ये आपके सिटी की है, नान खटाई? नान खटाई तो वहाँ की है जी, लाहौर की। लें जी ये आपको, और देखें एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह मोहम्मद आसिफ, असद इकबाल, एहतशाम, वकार भाई और मैं। और टेबल का आपको मैं बाकी डिटेल्स शेयर करके इंशाल्लाह दिखाता हूँ। लें जी हम लोग जा रहे हैं बिलियर्ड रूम में, और ये लिफ्ट आ रही है वकार भाई के घर की। तो ये जैसी आती है तो हम लोग ये देखें जी, लिफ्ट आ गई है, ऊपर बिलियर्ड रूम में जा रहे हैं। ये लिफ्ट में हम लोग चार पांच लोग हैं, और ये इनका सेकंड फ्लोर के ऊपर है। अब आपको बिलियर्ड रूम में लेके जाता हूँ। लें जी ये हम लोग पहुंच चुके हैं बिलियर्ड रूम के बाहर, और ये नो स्मोकिंग बिलियर्ड रूम है। लें जी द मोस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल स्नूकर रूम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा WHS वर्ल्ड होम स्नूकर, वी प्रमोट स्नूकर। और ये देखें इस रूम की लग्जरी, और ये जी स्टार का नया टेबल आया है, ये आप इसका 3D लोगो देखें, और इसकी फिनिशिंग देखें बॉर्डर की, और इसका कलर, और ये जो इसके ऊपर आता है ये ओरिजिनल नंबर 10 क्लॉथ जो है ये कंपनी की तरफ से साथ आता है। और ये इसके खूबसूरत जो इसका कलर है गोल्डन स्टार का स्पेशलाइज कलर है ये वो, और इसका क्लॉथ बहुत प्यारा है, लेदर का क्लॉथ है जो ओरिजिनल के साथ आता है। मैं आपको दिखाता हूँ ओरिजिनल लेदर का जो क्लॉथ है वो इसके साथ आता है, ये मैं आपको दिखाया है थोड़ा सा, ये देखें। और इसके ऊपर स्टार का लोगो प्रिंटेड होता है। और ये है जी साथ इसके स्टिक रखने के लिए स्टैंड, बड़े खूबसूरत स्टैंड है। और इसकी हाइट जो अभी तक शायद किसी को नहीं पता होगी कि इसकी ओरिजिनल हाइट कितनी है, वो बड़ी ज़बरदस्त हाइट होती है खेलने के अतबार से। और ये थोड़ा सा मैं आपको इसका जो रेडिश शेड में स्क्रैचलेस बॉर्डर आते हैं, ये ओरिजिनल इसका लोगो है। और ये पॉकेट कटिंग देखें जी इसकी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसकी पॉकेट कटिंग को समझते हैं, और इसके साथ जो एक्सेसरीज आती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो ओरिजिनल के साथ एक्सेसरीज आती हैं वो इसका ये वाला एलिफेंट स्पाइडर, और जो पाकिस्तान में स्पाइडर आता है या बनता है चाइना से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, क्योंकि आज मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ। जो पाकिस्तान में स्पाइडर आता है उसके अंदर ये जो है ये कॉर्नर्स वाला नहीं आता, यानी कि जिसके ऊपर ये देखिए अगर मैं स्टिक रखता हूँ ऐसे,
तो इसमें स्टिक मूव नहीं करेगी। जो पाकिस्तान में हमारे यहाँ यूज़ होता है वो यहाँ से गोल होता है, गोल, तो उसमें स्टिक ऐसे ऐसे करती रहती है। इसी वजह से पाकिस्तान में ज़्यादा प्लेयर्स का स्पाइडर शॉट बहुत ज़्यादा वीक है। उसकी रीज़न ये है कि वो ठीक नहीं होता। और ये आप इसके जिन पाए स्टार के जो ओरिजिनल लोगो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके ताकि आपको क्लियरली देख सके। तो ये जो इसकी एक्सेसरीज हैं ये बड़ी ज़बरदस्त हैं। और ये इसका ओरिजिनल 1G के बॉल सेट का जो बॉक्स है वो ये है, और इसके साथ ये एक्सटेंशंस आती हैं, ठीक है, ये अभी पैक ही रखी हुई हैं। और इसका स्टैंड देखें नीचे कितना खूबसूरत, उन्होंने अभी इन्होंने वो नहीं उतारा, और इसके नीचे जो हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अभी चूँकि हम लोग आए हैं तो हीटिंग सिस्टम ऑन नहीं किया, तो ये इसका हीटिंग सिस्टम का पैनल है। अब आप लोग सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा, ये इसका लॉन्ग रेल है जिसके अंदर आके बॉल, यहाँ से बॉल गिरता नहीं है इसका। और ये इसका खूबसूरत लेदर जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त लेदर होता है। और जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो है स्टार का जो क्यू आता है टेबल के साथ, 4 क्यू आते हैं एक टेबल के साथ। ये मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, तो ये इसका खूबसूरत स्टार जो है 4 क्यूज देता है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो इसकी रेलिंग से रिलेटेड है, वो ये है कि जो ब्लैक साइड है जिसको टॉप साइड ऑफ द टेबल बोलते हैं, इसके अंदर अगर हम लोग बॉल डालेंगे तो ये आप देखेंगे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बॉल आ जाते हैं। अभी ऊपर तक फिल करेंगे तो ये देखें 3, 3, 6, 3, 8 और तकरीबन 12-13 बॉल इसमें इस लॉन्ग रेलिंग में आ जाते हैं। तो ये था जी नया स्टार, और इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा रैसन का ओरिजिनल टेबल। ये जी रैसन का ओरिजिनल टेबल है, ये इसका लोगो है जो कि आप चैम्पियन ऑफ चैम्पियन में देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बॉर्डर, जो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, ये इसका बॉर्डर है। ये ओरिजिनल रैसन टेबल का जो बॉर्डर है वो बेसिकली ये आप समझ लें कि जो शायद बांस का बना होता है, मुझे मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये कुछ और टेक्नोलॉजी है। तो ये आप देखें, जो काफ़ी लोगों ने ओरिजिनल रैसन नहीं देखा हुआ। और इसकी भी मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इसकी ब्लैक कलर में रेल आती है, स्टार की आती है गोल्डन में, और इसकी जो स्लेट की फिटिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि रैसन की। इसकी पहले मैं कटिंग आपको थोड़ी सी दिखाऊँ, ये इसकी कटिंग है, डिफरेंट है थोड़ी सी स्टार से, और इसका लेदर भी डिफरेंट है। और आप देखें जो ओरिजिनल लेदर है ये कितना ही खूबसूरत है, ज़बरदस्त। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसकी जो स्लेट की फिटिंग है, आप ये देखें ये वाला फिनिशिंग इसका, ये वाला, इस फिनिशिंग में ये जो मिरर का लोगो है, बेसिकली ये मिरर होता है, मिरर का लोगो है। और अब मैं आपको इसकी जो स्लेट की फिटिंग है जो आपने कभी नहीं देखी होगी वो दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो इसका नीचे का पैनल है, इसके ऊपर ये एलुमिनियम की एक पूरी रेल चलती है। ये रैसन ने स्टार से जो मुख्तलिफ बनाया है, तो इत्तेफाक से एक ही जगह पे हमें दोनों टेबल मिल गए हैं। तो ये जो नट लगे हुए हैं ये वाले, ये बेसिकली लेवलर है। हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो स्लेट का बैलेंस जो है वो हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ भी ये लेवलर लगा हुआ है, और इसी तरह ये लेवलर थ्रू आउट द चलते हैं, पूरी जो टेबल के इर्द गिर्द है वो इसके लेवलर चलते हैं। ये देखें इस साइड पे भी, यहाँ तक जिसके ऊपर स्लेट आनी है। और इसके नीचे भी हीटिंग सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त लगा होता है, प्लेट्स वाली हीटिंग सिस्टम है। ये जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है ये इसकी प्लेट्स है। ये व्लॉग थोड़ा लंबा बना है जी, लेकिन
चूंकि बड़ा डिटेल से आप लोगों को बताना था, और ये एक दफ़ा फिर मैं आपको इसके बॉर्डर्स दिखाता हूँ। जो ये खूबसूरत बॉर्डर्स हैं, ये तो ओरिजिनल रेसन के अलावा तो बन ही नहीं सकते। अब मैं छोटा सा एक गपशप करूँगा वकार भाई के साथ। वकार भी आए टेबल पे ज़रा, और टेबल को जी टेस्ट कर लिया है हमारे दोनों प्रोफेशनल्स ने, मोहम्मद आसिफ ने और अजद इकबाल ने। वकार भाई एक शॉट खेलें, रात को आपका टेबल इंस्टॉल हुआ है। जी, रात इंस्टॉल हुआ है। ये जी ब्लू बॉल खेल के ज़रा साउंड भी चेक करते हैं कि कैसा है। पॉट कर दीजिएगा। जी, इंशाल्लाह कोशिश है। वेरी नाइस। ये देखिए जी, सेंटर पॉकेट की खूबसूरत कटिंग, स्लेट की कटिंग को भी समझना पड़ता है और बॉर्डर कटिंग को भी समझना पड़ता है। ले जी, अभी आप लोगों के साथ साथ वकार भाई से मैं थोड़ी सी गपशप लगाऊंगा यहाँ बैठ के। ये दोनों टेबल हैं, मैं एक दफ़ा आपको रूम का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। और ये यहाँ पे बॉल क्लीनिंग मशीन जो रखी हुई है, इन्होंने फुली प्रोफेशनल बिलियर्ड रूम है जी। मैंने आपको बताया पाकिस्तान का सबसे जो हैवी बिलियर्ड रूम है, और यहाँ पे डबल टीम इवेंट भी हुआ था और प्रोफेशनल लाइट शेड्स हैं। तो अभी वकार भाई के साथ थोड़ी सी गपशप करते हैं। व्लॉग लंबा है, ज़रूर आपने सारा देखना है। ले जी, हम लोग हैं इधर WHS वर्ल्ड होम स्नूकर में, और हमारे साथ हैं वकार आलम, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। और मैंने आपको इनका बिलियर्ड रूम दिखाया, मैं चाहता हूँ कि इनके साथ मैं थोड़ी सी गपशप करूँ, इनका VN पता चले। वकार भाई, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, और बड़ी ज़बरदस्त लेडी फिश आपने हमें खिलाई, बेसन वाली, और साथ रबड़ी और चाय, ज़बरदस्त हुआ। 1 घंटे का टाइम था हमारे पास, तो वो 1 घंटा आपके साथ स्पेंड हुआ, थैंक यू सो मच। वकार भाई, स्नूकर कैसे शुरू की और कब से खेल रहे हैं? शुभ भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप यहाँ आने का, और बहुत शॉर्ट टाइम में आपने यहाँ तशरीफ़ लाए, आप सबका बहुत शुक्रिया, जिसमें अज्जद भाई, शुएब भाई, आसिफ भाई और हमारे एहतिशाम भाई, इन सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी फ़्लाइट भी है शाम की, जल्दी की फ़्लाइट है और थोड़ी देर में हमें निकलना भी है। तो स्नूकर लाइफ मेरी इतना टाइम वाली लाइफ नहीं है, मुश्किल से मुश्किल मेरा ख्याल है 4.5 साल की लाइफ है मेरी स्नूकर। तो 4.5 साल में ऐसा क्या क्रेज पैदा हो गया? रेसन भी आ गई, स्टार भी आ गई, प्लेयर्स को प्रैक्टिस रूम भी आपने दे दिया कराची के लिए, इतना एकदम से 4-5 साल में क्या हुआ? कराची के लिए आप ये कहने के, शुएब भाई, यहाँ का जो क्लब माहौल, या माहौल भी नहीं कहने, क्लब जो है ना यहाँ पर इतने खास नहीं है। स्टेब्लिश नहीं है। हाँ, जितना के जैसे पंजाब में माशाल्लाह हर थोड़ी दूर में ही क्लब बड़ी टेबलों का मिल जाता है, जहाँ खेलने के भी बंदे को आसाइश होती है और टेबल भी मिल जाता है उसको। तो कराची में गिने चुने क्लब हैं 2-4 जो कि जहाँ बंदे जाके खेल सकते हैं, मगर उसमें फिर रश इतना होता है, टाइम का बहुत ज़ाया होता है। तो थोड़ा सा शौक़ हुआ आस्ता आस्ता आस्ता, फिर इस तरीके से। तो ये मुझे बताएं कि आपने अपने शौक को प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाने का कब सोचा? टेबल्स प्रोफेशनल लगा दिए, रूम बना दिया, एयर कंडीशनिंग कर दी, तो लाखों रुपए का इंटीरियर कर दिया, खूबसूरत कारपेटिंग कर दी, तो इसको प्रोफेशनली आपको क्या लगता है कि आपके इस स्टेप के साथ पाकिस्तान के स्नूकर को क्या फायदा होगा? नहीं, इंशाल्लाह कोशिश है कि हमारे यहाँ आके अच्छे प्लेयर्स हैं जो खेलें, यहाँ पे प्रैक्टिस भी करें, उन्हीं के लिए ये पूरी चीज़ें तैयार की हैं, और यहाँ से बस कोशिश ये है कि अल्लाह करे वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, यही कोशिश है, और करा भी है और कर भी रहे हैं माशाल्लाह। हमारे जो प्लेयर्स हैं बहुत आला प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनको बेचारों को थोड़ी सी आसाइशें मिल जाएँ, खेलने को अच्छी चीज़ें मिल जाएँ, तो वो अभी भी दुनिया। तो बकार भाई, ये जो हमारा प्लेयर ऑलरेडी प्रोफेशनल सर्किट में भी चले गए हैं, ये स्टार टेबल लगाने का पर्पस तो सिर्फ ये है कि शायद आप अपने प्लेयरों को वर्ल्ड स्नूकर टूर में देखना चाहते बिल्कुल हैं, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ताला। क्योंकि स्टार का और कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि ये प्लेयरों को आगे मिलता है, तो इसको लगाने का पर्पस हीटिंग सिस्टम है, बॉल क्लीनिंग मशीन है, प्रोफेशनल प्रेस रखी हुई है, यहाँ पे आपने एयर कंडीशनिंग का वो माहौल दिया हुआ है, प्रोफेशनल लाइट दी हुई है, तो शायद ऐसे लग रहा है कि आप कोई प्रोफेशनल प्लेयर तैयार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला, मेरे तो सारे ही प्लेयर्स हैं अपने, सब सबको पसंद करता हूँ और सब हमसे भी मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
और खुशी तवज्जा भी मेरी जो है हसनैन की तरफ है। हसनैन इज अ वेरी टैलेंटेड, हसनैन अख्तर की बात कर रहे हैं जो टू टाइम एशियन अपना नेशनल जूनियर चैंपियन भी है और एशियन जूनियर चैंपियन भी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि आप उसको शायद WSF जो वर्ल्ड स्नूकर फेडरेशन का इवेंट हो रहा है मोरक्को में, जी जी, उसमें भी आप उसको शायद मेरा ख्याल शायद आप साथ जाएंगे या स्पॉन्सर करेंगे, क्या प्लान है आपका? नहीं, इंशाल्लाह मेरा खुद साथ जाने का प्रोग्राम है उसके, उम्मीद है कि इनविटेशन तो आ गया है, बस वीजे के लिए अप्लाई एक दो दिन में करना है हमने, और इंशाल्लाह आप दुआ करें अल्लाह खैर के मामला करें। तो थोड़ा सा ये भी बताएं कि आप माशाल्लाह फिशरीज की लाइन में हैं तो कितने साल से हैं फिशरीज की लाइन में? तकरीबन हमारे को 18 साल करीब करीब हो गए, 18 से 20 साल। तो चलें जी, आप अपने फिशरीज का भी काम करें और खसूसी तौर पे हमारे स्नूकर प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, और यहाँ भी हमें बड़ी ज़बरदस्त हैदराबाद से वापसी पे बड़ा कामयाब इवेंट हुआ, सिंध पंजाब टाकरा हुआ, उन्होंने हमें अजरक पहनाई, सिंधी टोपी पहनाई, खाने खिलाए, वहाँ की बिरयानियाँ और स्पेशलाइजेशन, और यहाँ पे आके हमें जो कराची की आइटम है लेडी फिश बेसन में तली हुई और साथ में रबड़ी और ये सारी चीज़ें, और अभी हम लोग स्नूकर रूम में, तो ये बड़ा ज़बरदस्त रहा जी। ये हमारा पहली दफ़ा मैं कराची में आया हूँ और कराची में इतना ज़बरदस्त एनवायरनमेंट। अच्छा वकार भी, मैं जाते जाते आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि इतने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अगर आप कोई साल में एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें ऑल पाकिस्तान के इन्विटेशनल होना चाहिए, ऑल पाकिस्तान के प्लेयर जिसमें ना सिंध हो ना सिर्फ पंजाब हो, उसमें बलूचिस्तान, कश्मीर, KPK, सिंध और ये सारी पट्टी यहाँ तक होनी चाहिए, बेशक आप 16 प्लेयर इन्विटेशनल बुलाएं, 32 बुलाएं, जिसमें थोड़ी प्राइज मनी, बेशक प्राइज मनी बहुत हाई ना हो, मतलब मुनासिब हो, लेकिन प्लेयर को जो खेलने की फील है और ब्रॉडकास्टिंग है, ये चीज़ें, आपका कुछ इसको लेके प्लान है? जी शुभ भाई, इसका मैंने कल भी आपसे मेरी हैदराबाद में भी इस टॉपिक पर बात हुई थी, और उसके बाद से मैं ये ख्याल मेरे जहन में जो है ना 8 से 10 दफ़ा आ चुका है, और इसकी मैं प्लानिंग भी कर रहा था और कोशिश भी करी मैंने। तो इसको अगर इस सवाल को मैं अगर आपको इसका जवाब ऑफ द रिकॉर्ड दूं तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल, मैं नहीं चाहता कि ऑन द रिकॉर्ड दें, और जाते जाते स्टार पे एक शॉट पॉड किया है वकार भाई ने, और एक शॉट जाता जाता थोड़ा ईजी बॉल रख के मैं भी पॉड करना चाहूँगा, ब्राउन बॉल को पॉड करेंगे और इसकी पॉकेट कटिंग और रनिंग को चेक करेंगे, थोड़ा सा एंगल का शॉट, लेनी कराची वकार आलम के वर्ल्ड होम स्नूकर से अपने भाई शुएब आरिफ को इजाजत दें, दुआओं में याद रखें। आई होप आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, पहली दफा इतना डिटेल व्लॉग मैंने बनाया है, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर शेयर करना है, और स्टार और रैसन का जो डिफरेंस है पॉकेट कटिंग का और बनावट का और इनकी हीटिंग सिस्टम का, वो मैंने सारा आपको डिटेल में बताया है। अपने भाई को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, पाकिस्तान पाइंदाबाद।